नमस्कार दोस्तों, टेकजी टिप्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल देख ही चुके हैं कि मोदी सरकार का बड़ा ऐलान आया हुआ है कि कोविड-19 में अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए लगभग 6,600 नई वैकेंसियां लाई गई है। और कहां पे किस सेक्टर में ये वैकेंसियां लाई गई है, तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो पर पूरा बनिएगा, जरूर अंत देखिएगा ताकि आपका कोई भी जानकारी आपका नहीं छूटे। और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो फिर आप ये जानना छूट जाएंगे किस सेक्टर में किस लेवल पे वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे देश के कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी ने एक ट्वीट किया है आज ही के डेट में, अभी से लगभग 2 घंटा पहले, की लगभग 6,600 नई जॉब वैकेंसी निकलने वाली है कोल इंडिया लिमिटेड में। और कोल इंडिया लिमिटेड देश की महारत्न कंपनी है, सरकारी कंपनी है और बहुत ही अच्छी सैलरी देती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग डिसिप्लिन पे, मतलब 10वीं लेवल पे, 12वीं लेवल पे और ITI, डिप्लोमा, माइनिंग, ये सभी के पोस्ट निकलने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। और अब दोस्तों यहाँ पे हिंदी में भी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोविड-19 संकट में कोल इंडिया लिमिटेड देश की अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए इस साल विभिन्न पदों पर लगभग 6,600 नई भर्तियां करेंगी। श्रम शक्ति में होने वाली यह वृद्धि युवाओं को रोजगार देने के लिए कंपनी को आने वाले वर्षों में 1 बिलियन टन सालाना कोयला उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। दोस्तों वर्तमान में कोल इंडिया लिमिटेड में बहुत सारे जो लोग हैं वो रिटायर कर रहे हैं, इसी के कारण कोल इंडिया में मेन पावर जो है वो बहुत ही कम होने वाला है। इसलिए कोल इंडिया लिमिटेड में भर्तियां जो है वो आ रही है। और अभी हाल फिलहाल में ही नॉर्थन कॉलफील्ड लिमिटेड, जो कि सिंगरौली में जिसका हेडक्वार्टर है, वहां पे हाल ही में HEMO ऑपरेटर, हेवी अर्थ मूविंग मशीनरीज कि जो वैकेंसियां हैं वो निकली हुई थी। और उसका लास्ट डेट भी दोस्तों बढ़ने ही वाला है, अभी तक लॉकडाउन के कारण लास्ट डेट का अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। और जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त कोल इंडिया लिमिटेड का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहां पे भी आ चुका हूं, और वहां पे भी आप देख सकते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड हेडक्वार्टर जो है उसने भी इसको रीट्वीट किया है। और यहाँ पर दिखाया गया है कि जो 6,600 वैकेंसियाँ हैं वो आने वाली है। तो दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड में लगभग 7 सब्सिडरीज है। कोल इंडिया लिमिटेड में BCCL है, CCL है, NCL है, MCL है, SCCL है, तो ये सब WCL है दोस्तों, ये सभी में वैकेंसियाँ आएंगी। ये सभी में से खास तौर पे दोस्तों NCL में तो बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको पल पल की जानकारी कोल इंडिया लिमिटेड की हमारे चैनल पे सबसे पहले मिलेगी। आशा है दोस्तों ये जानकारी बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप NCL का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जरूर जाइए, आपको वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगी, साथ ही लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन भी आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल की नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।